I'll just say a few words in Urdu for the benefit of the media here, because I believe that Tharparkar is or was the most backward district in the, I have to speak in Urdu. सबसे पसमंदा इलाका था सूबा सिंध का, और आज से कोई 30 साल पहले यहाँ पे कोयला दरियाफ्त हुआ था, और उस वक्त की हुकूमत ने, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत ने थरपारकर की डेवलपमेंट के लिए काम शुरू किया, कोयले की डेवलपमेंट और उसके हवाले से जो थरपारकर में प्रोग्रेस आएगी। अनफॉर्चुनेटली वो काम उस तेज़ी से नहीं बढ़ा, और जब 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, उन्होंने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के उस विज़न को आगे बढ़ाया, और को थोड़ा कुछ बताया भी था प्रेजेंटेशन में, जब बता रहे थे इस स्टडी की प्रेजेंटेशन जब की थी, कि एक तालका मिट्टी जहाँ पे ये कोल रिजर्व्स मौजूद हैं, वहाँ पे थर फाउंडेशन ने काम किया है, और वहाँ पे उसके असरात, उसके रिजल्ट्स सामने आए हैं। ये स्टंटिंग का प्रॉब्लम पानी ना मुहैया होने की वजह से सबसे ज़्यादा होता है, और हुकूमत सिंध ने थर के अंदर, मुझे एग्जैक्ट नंबर इस वक्त याद नहीं है, चेयरमैन पीएनडी शायद मुझे मदद कर सके, लेकिन सैकड़ों की तादाद में आरओ प्लांट्स लगाए हैं, बड़े भी हैं छोटे भी हैं, उनके प्रॉब्लम्स होते रहते हैं ऑफ एंड ऑन, बट हुकूमत सिंध उस जगह पे जहां पानी मैसर नहीं था पानी पहुंचा रही है। हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात करें तो मिट्टी का अस्पताल, एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के होने के हवाले से उसमें वो सारी सहूलियात, बल्कि उनसे ज़्यादा सहूलियात मौजूद हैं, कि आसपास के डिस्ट्रिक्ट के लोग भी मिट्टी आते हैं। स्कूल एजुकेशन हो, वहाँ पे हमने थर फाउंडेशन के साथ, हुकूमत सिंध ने सिटीजन्स फाउंडेशन के स्कूल बनाए हैं, वहाँ अस्पताल एक बन रहा है जो कि इंशाल्लाह ताला जल्द मुकम्मल होगा, तो